भारत और श्रीलंका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान रोहित शर्मा की कप्तानी में किया गया है। इस टीम की उपकप्तानी हार्दिक पांड्या को दी गई है। वो पहली बार वनडे में इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। रोहित शर्मा चोट से उबर चुके हैं और वनडे सीरीज में वापसी करने जा रहे हैं। वनडे टीम में ऋषभ पंत, संजू सैमसन और शिखर धवन बैटिंग डिपार्टमेंट से गायब हैं, जबकि बॉलिंग में श्रद्धल ठाकुर और भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल और ईशान किशन को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह के नाम भी नहीं है। बुमराह की वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं की गई है, जबकि जडेजा फिट है लेकिन उन्हें अभी बाहर रखा गया है। मोहम्मद शमी की चोट के बाद वापसी हुई है। केएल राहुल टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे लेकिन वनडे सीरीज के लिए चुने गए हैं, मगर उनसे उपकप्तानी का जिम्मा ले लिया गया है। वे हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर उपकप्तान थे, साथ ही आखिरी वनडे में रोहित शर्मा के नहीं होने पर कप्तान बने थे। बांग्लादेश दौरे पर वनडे सीरीज में रहे रजत पाटीदार को जगह नहीं मिली है तो राहुल त्रिपाठी भी नहीं है, वो टी20 सीरीज के लिए चले गए हैं। कुलदीप सैन भी अभी चोटिल है तो बाहर है। दीपक हुड्डा भी वनडे टीम से बाहर हो गए हैं। धवन की वनडे से विदाई तय मानी जा रही है, उनकी हालिया फॉर्म चिंताजनक थी। फिर बांग्लादेश दौरे पर ईशान किशन के ओपनर के तौर पर दोहरा शतक लगा देने के बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। धवन हालांकि हालिया समय तक टीम इंडिया के अस्थायी कप्तान थे। उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे सीरीज में कप्तानी संभाली थी, जहां भारत को 1-0 से हार मिली थी। यह कप्तान के रूप में उनकी वनडे सीरीज में पहली हार थी। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में भी वो कप्तान थे। धवन भारत की टी20 योजनाओं से पहले ही बाहर हो चुके हैं। वनडे टीम के लिए भारत की जो टीम है, रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।